सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हाँ तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अगर वो लॉग आउट हो जाता है या फिर आप लोग दूसरे फ़ोन में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी चैट या फिर उसके जो मीडियाज़ वगैरह होते हैं, जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह होते हैं, तो वापस नहीं आ पाते हैं। कई कई बार क्या होता है कि बिल्कुल सब साफ़ हो जाता है, तो हमें नए सिरे से हम लोगों को शुरू करना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी आप लोग सेंड करते हैं किसी को, सब कुछ गायब हो जाता है। तो मैं ऐसी आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग कहीं भी लॉग इन करेंगे या कहीं पर भी लॉग आउट कर देंगे, एक एक चैट, एक एक शब्द आप लोगों का वापस आ जाएगा। जैसे आप लोग चैट कर रहे थे वैसे ही सिक्वेंस में आपके सारे कुछ लग के आ जाएंगे, जो भी व्हाट्सएप पर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट पे जो भी अपने दोस्त से चैट की होगी, जिससे जिस दिन चैट की होगी और जिस जिस से सिक्वेंस में लगे होंगे, जैसे पहले दोस्त के आप लोगों ने ऊपर था, दूसरा वाला ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल आप लोगों का जैसे व्हाट्सएप दूसरे फ़ोन में यूज़ कर रहे थे वैसे ही आप लोगों का सेम टू सेम डिट टू आप लोगों का वो चैट सारी निकल के आ जाएगी। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो पूरे एंड तक बने रहना है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट में आप लोग सजेशन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए वीडियो पूरी एंड तक देखिए, लेट्स गो। हाँ तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ अपने व्हाट्सएप पे। मैं अभी व्हाट्सएप अपना सेटअप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दोबारा लॉग इन किया है लॉग आउट करके। तो मैंने सारी परमिशन देकर फिर यहाँ पर आप लोग लुकिंग फॉर बैकअप। अब ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये शायद आपके फ़ोन में नहीं आता होगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि अब से आएगा। और यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी लगी हुई है, और इसका क्या काम है तो आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे। एंड यहाँ पर मेरी चैट एंड जो मीडियाज वगैरह है वो सारा कुछ स्टोर हो रहा है दोबारा से, जो कि डिलीट हो गया था, तो अब वो दोबारा बैकअप हो रहा है। अब बैकअप क्यों हो रहा है वो सारा कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आप लोग क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी आ चुकी है, नाम जो डला हुआ था वो भी आ गया, एंड मेरी सारी चैट्स एंड मीडियाज वगैरह सारा कुछ आ चुका है। कुछ नहीं जाएगा भाई साहब, कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी जो भी चैट्स वगैरह हैं वो सारी कुछ आ चुकी हैं। यहाँ पे डेट भी डली हुई है जो कि अभी रिसेंट में ही है, देखिए यस्टरडे ऊपर बता रहा था यस्टरडे की, एंड मैंने अभी ये लॉग आउट किया था। कुछ रीजंस की वजह से मैं आप लोगों को वो प्रूफ नहीं दिखा पा रहा हूँ जो भी मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया था, फुल प्रूफ था मेरे पास। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, फिर आप लोगों को अपने अकाउंट पे जाना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों को अपना जो भी ईमेल एड्रेस, जो भी अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है, ध्यान से देखकर अच्छे से, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड भी आप लोगों को डाल देना है, एंड यहाँ पर कोड जाएगा ईमेल पे तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आप लोगों को टू स्टेप वेरिफिकेशन पे यहाँ पे आना है, ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ये टू स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है तो आप लोगों को दो बार डाल देना है, जब भी ये मांगे तो आप लोगों को तुरंत लिया ये आप लोगों को दे देना है, ठीक है ना गाइस। तो अभी यहाँ पर आते हैं हम। तो गाइस, अब अगर आप लोग ईमेल एड्रेस जो भी आप लोग ऐड कर देंगे तो उससे क्या है, आप लोगों का जो भी चैट्स वगैरह होंगी जो ईमेल पे स्टोर हो जाएंगे, और जब भी आप लोग मांगेंगे, जैसे आप लोग बैकअप करेंगे तो जैसे मांगना हो जाता है तो वो आप लोगों को दोबारा दे देता है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं चैट्स पे, जहाँ पे आप लोग अपनी चैट दोबारा बैकअप कर सकते हैं, वो भी आप लोग जो जहाँ पर जैसे स्टोर है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे गूगल अकाउंट मेरा जो ईमेल एड्रेस है, जहाँ पे ईमेल आईडी है मेरी, तो वहाँ पर मेरी स्टोर रखी है सारी चैट्स, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। एंड इसे परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड लाइक कमेंट भी जरूर कर दीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।